तो सिंगल बीजेपी पार्टी को 200 सीटों से ज़्यादा नहीं आते, और 100% उम्मीद है कांग्रेस पार्टी और यूपीए जो उनका जो अलायंस है 100% गवर्नमेंट फॉर्म करने वाली है। अब इंडिया गठबंधन जो पहले यूपीए था वो बहुमत का आंकड़ा तो पार करेगा, मतलब इंडिया अलायंस 280 से 300 सीट्स तक तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसा मोदी जी के लोगों के में इंडिया अलायंस को 300 सीट तो पार करेगा। कांग्रेस कितनी सीट आ रही है? 300 प्लस। कंगना नवानत क्या है, एक नाटक बात है वो, अब मैं खुले अल्फाज में बोले तो अब उसके मुजरे वाली है। 2024 के बाद जब मोदी साहब उतर जाते ना तब ये देश को आज़ादी मिला। 400 पार बोल रहे ना, 400 पार आने के लिए इंडिया बसने होगी उन लोगों को, और पाकिस्तान जाना पड़ेगा, बांग्लादेश जाना पड़ेगा। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद 100% इंडिया कूटमी का विजय होगा, 100% राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। मोदी जी की विदाई तय है? हाँ, तैयारी करना पड़ेगा उनको। अच्छा ये बताइए, आपके लिए सबसे अच्छा नेता कौन अभी, जिसको आप अपना आइडियल मानो? देखिए अभी तो मैं मानता हूँ राहुल गांधी। एकदम सटीक आंसर दीजिएगा 5 सेकंड के अंदर में, ठीक है? आपकी नजर में सबसे खराब नेता कौन? 1 2 3 4 मोदी है। लोकसभा चुनाव 2024 लगभग समाप्त हो चुका है, और देखा जाए तो 6 चरणों का चुनाव हो चुका है, बस 1 चरण का मतदान बचा हुआ है। ऐसे में हम रुझान जानने के लिए कि आखिर इस बार किसकी सरकार बन रही है, हैदराबाद के एक टी स्टॉल में पहुंच चुके हैं। आप ये टी स्टॉल देख सकते हैं, ये ऐसा टी स्टॉल है और कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हैदराबाद में रुझान क्या है। तो चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। हम आ चुके हैं ओयू कैंपस में, और ओयू कैंपस में हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करके जानेंगे कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है या फिर बीजेपी की सरकार हैट्रिक लगाएगी। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या रुझान क्या है? तो इस बार ये समझ में आ रहा है कि जैसा मोदी साहब जैसा एक लहर चला रहे अब की बार 400 पार, तो ये तो नहीं होगा। अब 6th phase का इलेक्शन ख़त्म हो गया है, लास्ट 7th phase का 1 तारीख के दिन इलेक्शन होने वाला है। तो पिछले 6 phase के इलेक्शन जब हम स्टडी करें तो इस बार 200 पार होना भी बीजेपी के लिए मोदी के लिए बहुत मुश्किल है। मतलब चाय वाला इस बार नहीं आ रहा है? नहीं, चाय वाला इसलिए नहीं आ रहा, चाय वाला 10 साल में जो आवाम के साथ पब्लिक के साथ जो प्रामिसेस करे उसमें कोई भी एक भी फुलफिल नहीं करे। कहाँ है साल में सालाना 2 करोड़ नौकरी किधर है, 20 करोड़ की नौकरी किधर है, और कोरोना के बाद कई नौजवानों के नौकरियां उखड़ गए। एक देश के प्रधानमंत्री इतने उनके इलेक्शन के बयानों में इतने झूठ, सुबह उठे तो झूठ, तो हिंदू का प्रॉपर्टी लेके मंगलसूत्र लेके मुसलमान को देंगे, ये आज़ादी के बाद इतने साल में कभी ऐसा हुआ क्या देश में, कभी हुआ क्या? एक कौम की प्रॉपर्टी एक कौम को देने का, कुछ बंटवारा करने का हुआ क्या? अरे कोई बात कर रहा कोई बात? तो जो देश के प्रधानमंत्री इनो ही सुबह उठे तो हिंदू मुस्लिम का नारा लेते हुए झूठ बात बोल रहे, और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो को लेके मुस्लिम लीग का एजेंडा है। क्या है कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आप पढ़ो, आप डिग्री का, मैं पोस्ट ग्रेजुएट एमए पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, आप एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रह के कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आप नहीं पढ़े? आप कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ो, कहीं उसमें मुसलमानों के लिए कुछ है क्या? उसमें इक्वालिटी है, एडुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, सोशल जस्टिस है, तो मुसलमानों की कहाँ है बात? अभी हाल में ही पीएम मोदी ने मुजरा करने वाली बात कही थी। तो देखिए साहब, जैसा इलेक्शन धीरे धीरे एक एक फेस इलेक्शन ख़त्म हो जा रहा, वो लोग को समझ में आ रहा कुछ ना दाल में कुछ काला है। तो इस बार उनका सीटें कम होने वाले हैं, सीट पे से उतरने वाले हैं, हुकूमत भी जाने वाले हैं, ये समझे। अब पब्लिक को फिर भड़काऊ भाषण दे के, वो तो कह रहे हैं 400 पार आएगा इस बार, 400 ने 200 आना भी मुश्किल है, 200 आना भी मुश्किल है। किस लिए 4 आते? आपको आप एम्प्लॉयमेंट दिए क्या? आप सोशल जस्टिस दिए क्या? इसलिए इस बार आपका जो मजहब का सियासत जो चलाने का सिक्का नहीं चलेगा, ख़ास तौर पे दक्षिण भारत में ये नहीं चलेगा। दक्षिण भारत में डेवलपमेंट का,
एम्प्लॉयमेंट का, एडुकेशन का, सोशल जस्टिस का नारा चलेगा। लेकिन कंगना रनौत तो कहती हैं कि 2014 के बाद ही देश को आज़ादी मिली है, असली आज़ादी। तो मैं कह रहा हूं आपको, 2024 के बाद जब मोदी साहब उतर जाते हैं ना, तब ये देश को आज़ादी मिला। तो मैं कहता हूं, अब कंगना रनौत, आपके कहने का मतलब है कि 2024 में जब इलेक्शन हार जाएंगे तो असली आज़ादी वो होगी। अब एक एक को देखने का उनका जो नज़रिया अलग रहता। अब कंगना रनौत को मोदी साहब इतना अच्छा दिख रहे, हम उसके लिए क्या बात कर सकते हैं? उनका तो सबको जानकारी है, देश की पब्लिक सब जानती है कंगना रनौत क्या है। ध्रुव राठी का नाम सुना है आपने? हाँ, ध्रुव राठी का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था डिक्टेटरशिप के ऊपर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो ध्रुव राठी ने एक नौजवान यंग जर्नलिस्ट या एक पॉलिटिकल एनालिसिस समझो, उनका जो समझाने का तरीका जो अच्छा है, और उन्होंने मोदी साहब को और बीजेपी हुकूमत को जो समझने का, तो ख़ास तौर पे उनका वीडियो मैं भी देखा 20 मिनट का। तानाशाही इस देश में, जो तानाशाही मोदी अमित शाह जो तानाशाही चला रहे, अगर उनके खिलाफ जो रहे तो उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी और अपोजिशन लीडरों को पीछा करना, जो सवाल करता गवर्नमेंट को, हुकूमत को सवाल करता, उनको जेल में डालना, ये तानाशाही है, ये डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं है। ये प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री चुनाव से जीत के प्रधानमंत्री बनते हैं, ऐसा कोई नहीं करते। तो इनसे पहले भी कोई कि कई प्रधानमंत्री आए, अब मोदी साहब के बयान आए, उन्होंने ऊपर से नीचे आए, एक प्रधानमंत्री ऊपर से नीचे आते या पब्लिक डेमोक्रेसी सिस्टम में वोट के चुनाव से प्रधानमंत्री बनते, तब मोदी साहब ऐसा समझ रहे उन्होंने कारण जन्म है। 10 साल में आपका डेवलपमेंट क्या है ये नहीं बता रहे। मैं कई स्पीचेस देख रहा हूँ मोदी साहब के, इन्होंने 10 साल में क्या डेवलप करे वो नहीं बता रहे, ये चीज़ें बता रहे, मज़हब के चीज़ें, ये प्रॉपर्टी लेके इनको देंगे, मुजरा करेंगे, कांग्रेस आए तो राम मंदिर को ही तो कह रहे हैं कि आपको पाकिस्तान से, कांग्रेस को पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है। क्या पाकिस्तान वाले आके इधर वोट डालते हैं क्या? सपोर्ट का मतलब क्या है, कैसा सपोर्ट है? उधर से इधर आके कुछ वोट डालते क्या? ये गलत है, क्योंकि जब इलेक्शन में दिक्कत लगती है बीजेपी को, मोदी साहब को अगर दिक्कत होती है, कुछ दाल में कुछ काला दिखता है, तब ये लोग हिंदू मुस्लिम का नारा लेते। ये लोग को समझ में आ रहा, क्योंकि रिजल्ट में कुछ फर्क होने वाला है। इस बार राहुल गांधी के ऊपर भी पब्लिक भरोसा करने लगी, राहुल गांधी को भी पब्लिक ऑब्जर्व करने, उनका भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, ये सारे यात्रा पब्लिक देख रहे हैं। उन्होंने भी पब्लिक में जाके पब्लिक को समझाने के लिए कर रहे, देश का जो प्रॉपर्टी, देश का संपत्ति है पूरा, मोदी साहब ने 10 साल में चंद लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को फ़ायदा करने के लिए कोशिश कर रहे। गरीब गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, किसी को फ़ायदा नहीं है। और जब एजेंडा को पब्लिक में लाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे, उनका डेवलपमेंट समझाने के लिए नहीं कोशिश कर रहे, इसलिए राहुल गांधी साहब का ऊपर बहुत भरोसा खासतौर पर नौजवान को है। लेकिन बीच में बात ये भी चल रही थी, अपोजिशन बहुत ज़ोरों से मुद्दा उठा रहा था कि संविधान बदल दिया जाएगा, राहुल गांधी हर जगह संविधान लेकर के चलते हुए नज़र आते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? तो संविधान बदलने का ये कौन कहा था, कर्नाटका में बीजेपी का एमपी कहा था, हमको 400 सीट दियो आप ये इलेक्शन में, हम संविधान को बदलने का। लेकिन संविधान क्यों बदल रहा है? क्यों बदलना चाह रहे? उनका तानाशाही चलना चाहिए, इस देश का संपत्ति जो उनके जो मनमानी है, इस देश के संपत्ति उनको चाहने वाले हैं अदानी है, अंबानी है, इस देश का संपत्ति उनको देना है, उनको यहाँ पे तानाशाही फ्रेम करना है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहेब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसके जरिए वो नहीं हो सकता, इसके लिए उनको दिक्कत हो रही, इसलिए संविधान को बदलने के सवाल करते रहते, कभी कभी वो लीक देते रहते, स्टेटमेंट्स देते रहते। तो आज इलेक्शन में राहुल गांधी संविधान को लेके, संविधान को बचाने की जो बात कर रहे, उन्होंने खुद संविधान को हाथ में पकड़ के, कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में पकड़ के पब्लिक मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहे। यहाँ पे मजबूरन प्रधानमंत्री मोदी को संविधान हम चेंज नहीं करते बोल के उनको मुंह खोल के जवाब देना एक मजबूरन है। ये किसका है? आप पब्लिक की, आवाम का
विक्टरी है। पीएम मोदी ने एक टर्म यूज किया था घुसपैठिए, किसके लिए यूज किया था वो? तो साहब आप सब समझ सकते हैं, आप नहीं मोदी साहब घुसपैठी बोलो और कुछ भी बोलो, किसको बोलते हो मुसलमान को निशाना बना के बोलते हो। मुसलमानों से उनका जो सियासत जो चलता डेवलपमेंट पे नहीं चलता, एजेंडा पे नहीं चलता। बोलिए अब देखिए, आप बताइए, उनका इलेक्शन कैंपेन 2 महीने से चल रहा, 2 महीनों से इलेक्शन कैंपेन में इतने बयाना कर रहे, 10 साल में उन्होंने क्या डेवलप करे, गरीब को क्या मिला? लेकिन मुसलमानों के लिए तो किया है उन्होंने, ऐसा कहा जाए। एक निरुद्योगी को क्या मिला, एक स्टूडेंट को, छात्र को क्या मिला, ये नहीं बोलते, घुसपैठी की बात करते। वो बच्चे ज्यादा है ये लोग को बोल के बात करते। एक मोदी, एक प्रधानमंत्री ऐसा बात कर सकते हैं क्या? पब्लिक पूरी समझने लगी। जल्दी से जल्दी जून 4 के दिन जब चुनाव का जो फली जो आते आंकड़ा आते तो मोदी साहब को पसीने लगे। आपके हिसाब से एग्जैक्ट 543 सीट में से कितने सीट आ रहे हैं कांग्रेस, मतलब इसको यूपीए को, और एनडीए को कितने आ रहे हैं बीजेपी? तो सिंगल बीजेपी पार्टी को 200 सीटों से ज़्यादा नहीं आते, और 100% उम्मीद है कांग्रेस पार्टी और यूपीए जो उनका जो अलायंस है 100% गवर्नमेंट फॉर्म करने वाली है। मतलब कांग्रेस इस बार गवर्नमेंट बनाने जा रही है 100% इंडिया कूटमी जो इंडिया अलायंस है जिस देश में पावर में आने वाली है। अब हम सब देखने वाले हैं जून 4 के दिन ये देश को ये पता चलेगा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद 100% इंडिया कूटमी का विजय होगा। 100% राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। मोदी जी की विदाई तय है? हाँ, तैयारी करना पड़ेगा उनको जाने के लिए। क्या लग रहा है इस बार रुझान किधर है? रुझान तो इंडिया एयरलाइंस के पास है। इंडिया एयरलाइंस के पास है, कितना सीट आ रहा है? बिल्कुल 295 से 300 सीट इंडिया एयरलाइंस मारेगा इस बार। 300 सीट, 300 इंशाल्लाह। हैदराबाद में कौन जीता? हैदराबाद में तो कांग्रेस कांग्रेस आ रही है, पक्का आ रही है। किस बेस पे आ रही है? लेकिन बताया जा रहा है मोदी जी जो तो कह रहे हैं कि 400 पार इस बार। अरे यार, 400 पार का पिछली बार भी बोला था, ये मजाक लगता है 400 पार। अभी तक वो यही बात कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। आप 400 पार आ रहे नहीं आ रहे उनके स्पीच से आप अंदाजा लगा दे सकते, अमित शाह की भोकलाट, नरेंद्र मोदी की भोकलाट। कंगना रनौत ने तो कहा है कि 2014 के बाद ही आज़ादी मिली। अरे क्या बात करते यार तुम ना, क्या 2014 से पहले क्या लंगे घूमते थे, क्या लंगे भुक्के थे हिंदुस्तान में, क्या आज़ादी नहीं थी 2014 से पहले? क्या बात करते, ये मुजरे वाली को लेके आके नरेंद्र मोदी नवाब साहब बोल रहे मुजरा देख के इसको टिकट दे दे के ये बोल देती कि 2014 से पहले आज़ादी नहीं थी, जब बीजेपी आई जब ही आज़ादी हुई। ये बीजेपी वालों को आज़ादी का मतलब मालूम तो ना, क्या आरएसएस बीजेपी थे क्या फ्रीडम ऑफ इंडिया की स्ट्रगल में, ये लड़ाई में थे आज़ादी, देश की आज़ादी में किसका रोल है बताओ? ये 3 घंटे की नाचने वाली कंगना रनौत को लेके आके उसका मुजरा देख के अमित शाह मोदी टिकट दे दे के समझ रहे कि 3 घंटे की फिल्म है पॉलिटिक्स, एक फिल्म बनाओ उसको लेके पॉलिटिक्स नको करो। अरे चुप, दिमाग खराब करते मीडिया वाले भी। अरे यार आप लोग प्रश्न पूछने की भी तो भी दिमाग रहना, 2006 से पहले क्या आपको फ्रीडम नहीं था? आप बताओ। नहीं, वो तो कंगना रनौत कह रही है ना। अरे कंगना रनौत क्या है, एक नाटकबाज है वो। अब मैं खुले अल्फाज में बोले तो अब उसको मुजरे वाली है, अब जो मुजरा बोल रहे ना नरेंद्र मोदी मुजरा मुजरा, शायद कंगना रनौत का मुजरा देख के खुश होकर टिकट दे दिए सरकार, अब ये नवाबों के काल में लेके चले जा रहे हैं लाभ ने 2014 से पहले बोले तो, फिर वैसी दिख रहा तो ये लोगों को अब ये दिख रही कि अब फ्रीडम के साथ मुजरा देख सक रहे तो इसलिए वो लोगों को आज़ादी दिख रही, शायद ये आज़ादी है क्या देश के लिए? अरे यार ये देश की आज़ादी के लिए जो बलिदान दिए उनके ऊपर कलंक लगाने वाली बात है ये। वो बेचारे इतनी अपने जानों को गवा दे के अंग्रेज़ों के खिलाफ इतना मूवमेंट करके, हमारे महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऐसे लोग फ्रीडम, भगत सिंह, हाँ कितने नाम गिनते बताओ मैं, ये लोग आज़ादी नहीं। 2014 में नरेंद्र मोदी आ गए, 2019 में कंगना रनौत पॉलिटिक्स में आ गई, अब के बार 2024 में कॉन्टेस्ट कर लेती, अब आज़ादी दिखती। वाह यार वाह, देश किधर ले जाना चाह रहे ये लोग, खाली खाली तमाशा बना के रख दिए, और मीडिया भी वो लोगों को ही दिखा दी, वो लोगों को ही दिखा दी, कोई डेवलपमेंट की बात करने वालों को नहीं बताते। क्या है वो, कोई इशू है वो?
देश की आज़ादी के छोटा बच्चा भी पैदा हुए सो वाले को बोले तो, जो अभी केजी क्यू यूजी में रहता, इंडिपेंडेंस कब मिला बोलता 15 अगस्त 1947 बोलता, 2014 बोल के कोई नहीं बोलता। शायद अभी 400 पार लाए बाद कॉन्स्टिट्यूशन बदल के लिखते होंगे 2014 में कंगना रनौत जैसी योद्धा के तरफ से आज़ादी मिली थी, नरेंद्र भाई मोदी अदानी अम्बानी ये लोग सब अंग्रेजों के खिलाफ लड़के फ्रीडम लाए बोले सर की बात हो गई। ये तो देश को ठगने के लिए आए पूरे। वार चल रहा था तो उस टाइम में उन्होंने बताया कि उन्होंने वार रुकवाई थी कॉल पर। अरे यार तुम भी नरेंद्र मोदी के झूठे वाले जुमलों में आ जा रहे। अरे मीडिया है आप लोग तो उसका रिसर्च करना, बस चार लोगों को बिठाए इंटरव्यू को, वो तो क्या क्या बोल दिए, बायोलॉजिकल है, भगवान का रूप है, गाजा में जंग रुका। अरे अरे वो सो मनगढ़ंत कहानियाँ, वो स्क्रिप्टेड एक्टर है। लोग बोलते दिलीप कुमार था एक दौर में, वो दिलीप कुमार को तो हम नहीं देखे, मगर ये छुप छुप वाला दिलीप कुमार नरेंद्र मोदी को तो देख रहे, कैसी बेहतरीन एक्टिंग करते हो ये। अब छोला डोला बन ले के जब जाएंगे 4 जून के बाद तो वो अपनी बायोग्राफी खुद बना ले सकते हैं कि अच्छे एक्टर है, कोई ना कोई कंगना रनौत को हीरोइन लेके ये हीरो बन के एक फिल्म बना लेना नरेंद्र मोदी। अब नेक्स्ट रोजगार तो कुछ है था नहीं बेचारों के पास, अब अदानी अम्बानी को फायदा पहुंचाते थे, जब सत्ता से चले जाएंगे ना अदानी पूछेंगे ना अम्बानी पूछेंगे। लेकिन वो तो कहते हैं कि टेम्पो से भर करके राहुल गांधी को दिया गया है। अब टेम्पो से भर के दिया नहीं दिया, ईडी सीबीआई सब इनके थे, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन कराए। राहुल गांधी ओपन डिबेट करने के लिए तैयार है ना, क्यों नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी क्या है इनकी सोशल मीडिया ट्रिम, खाली ट्रोल करते, बोलो ओपनली डिबेट को ना तैयार है। कल नरेंद्र मोदी तैयार है क्या बोलो, ये सिर्फ चाहते संविधान खत्म करो, 400 पार ला लो, हिंदू राष्ट्र बना लो, ये मोदी का कॉन्सेप्ट है जो सपना सपना ही रहेगा। तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे कि पीएम मोदी जो मतलब मुसलमानों के लिए कहा जाता है कि बहुत किया भी है उन्होंने, जैसे ट्रिपल तलाक हटाया है और भी बहुत सारे, अभी एक कैंपेन चला था यूपी में मोदी भाईजान उन्होंने चलाया था, मुस्लिम महिलाओं को बहुत ज़्यादा योजनाओं का लाभ भी दिया था, इस पर क्या योजना दिए नरेंद्र मोदी यूपी में। योगी और मोदी क्या करे, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर लगाए, ट्रिपल तलाक को अब एक आईने में बहुत बड़ा काम करके बताए। ट्रिपल तलाक से पहले क्या महिलाएं रोड पे थी, क्या अब घरों में सेफ है, उल्टा और आप पेचीदगियां कर दिए ट्रिपल तलाक के बाद। क्या हुआ, चुप संतुष्ट कौन होता, वो देखो किसी का शराई मसला है, आप उसमें जा रहे क्यों भाई बीच में। वो गए चलो हो गया ट्रिपल तलाक नहीं हुआ, उसको इलेक्शन में मुद्दा। अब मैं ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी की सरजमीन पर बैठ के बोल रहा हूँ, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से रिसर्च स्कॉलर्स को स्कॉलरशिप आती थी, यही नरेंद्र मोदी है स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी। ये चाहते ही नहीं कि मुसलमान बच्चे पढ़े, रिसर्च वर्क करे, डेवलप करे, अपने नए नए चीज़ों का ईजाद करे, प्रोफेसर बने, ये चाहते ही नहीं भाई। एक छोटी सी मिसाल लो, कहाँ कहाँ महिलाओं को बच्चियों को गर्ल्स स्कॉलरशिप आती थी वो भी ख़त्म कर दी है, हज में सब्सिडी देते थे जब नरेंद्र मोदी आए वो भी ख़त्म हो गया, क्या करे ना मुसलमानों बस जुमला। कभी ईद आए एक ट्वीट कर दिए, हमें रमज़ान में गाजाऊ कर दिया, एक नया प्रोपोगंडा कर दिए। यार बड़े बड़े देश नहीं रोक सक रहे गाजा की जंग इसराइल की, ये नरेंद्र मोदी क्या कर सकते, खाली बस जुमला है जो ज़्यादा। अच्छा पीएम मोदी का एक अच्छा क्वालिटी बता दी, झूठ अच्छा बोलते हैं यार पब्लिक में, अच्छा वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता तो रियली बिल्कुल नरेंद्र मोदी सच बोल रहे, ऐसा यकीन कर लेना 2 मिनट के लिए, बहुत अच्छे एक्टर है। मैं बोला ना अभी थोड़ी देर ये क्वालिटी है, बिल्कुल एक्टिंग नंबर वन एक्टर की क्वालिटी है, ऑस्कर अवार्ड इन्हें मिलना चाहिए देखा गया था। अच्छा राहुल गांधी की 4 क्वालिटी, राहुल गांधी एक यंग लीडर है, राहुल गांधी जमीन से जुड़े हुए, राहुल गांधी अपने जो वादों पे पक्का है उन पे ट्रस्ट कर सकते, ये कोई अहदे के लिए पावर के लिए भूखे नहीं है। इनके वालिद प्राइम मिनिस्टर थे, इनके दादी प्राइम मिनिस्टर थे, ये इनको ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ही बन के, उन्होंने हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए थे, बस आवाम 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 का डेवलपमेंट चाहते दिन रात, बस उनकी एक ही सोच है कि पब्लिक को कैसा डेवलप करे, कंट्री को कैसा डेवलप करे, कंट्री की GDP कैसा बढ़ाए, बस वो उनका विज़न है कि हमारा युवा कैसा अच्छा रहे। अच्छा अभी एक मुद्दा बहुत आ रहा है कि EC के ऊपर आ रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा दिया गया, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा वोटों को बढ़ाया गया, इस पर क्या कहेंगे आप। यही तो डर है एक नरेंद्र मोदी से, ज़मीन पे इनकी कोई अहमियत नहीं है,
अब इलेक्शन कमीशन का देखिए, जो अपॉइंटमेंट पहले होता था प्रेसिडेंट के जरिए होता था, नरेंद्र मोदी जो अब रूल्स चेंज कर गए, प्राइम मिनिस्टर के अंडर कर लिए। अब ये तो मैटर सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा। मेरी राय तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे सीरियस नोट लेना, बहुत बड़ी बात है। अगर अब जो 400 पार का नारा इन्होंने लगा रहे, शायद ऐसी ईवीएम परसेंटेज बढ़ा के 400 पार ला सकते। अगर अब ऐसा कर दिए तो ये आवाम पूरी रोडों पे आ जाएगी। अगर 400 पार आ गया तब, 400 पार आ गया तो जमीन पे अब जैसा आप मैं ये 10 लोग बैठे हुए यहाँ पे, कितने जने वोट डाले नहीं डाले सर्वे के बाद 4 तारीख के बाद उनके माइंड सेट में होता है। जैसा आप ये पर्टिकुलर सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहाँ ज़्यादातर आवाम किसको वोट डाली मालूम हो जाता। सर मौत पब्लिक सिटी तो रहती है, अब लोग बोलते नहीं किसी के डर से। अब इन ऐसी हरकत करेंगे, 400 पार अगर मैन्युपुलेट करके ला लेंगे तो फिर एक नया हंगामा। लेकिन तेलंगाना में तो बीजेपी की लहर बताई जा रही है, सीट बढ़ रहा है इस बार। तेलंगाना में बीजेपी का ना लहर थी ना रहेगी इंशाल्लाह, बस एक मीडिया प्रोपोगंडा है और कुछ भी नहीं। अब इंडिया गठबंधन जो पहले यूपीए था वो बहुमत का आंकड़ा तो पार करेगा, मतलब इंडिया अलायंस 280 से 300 सीट्स तक तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसा आप मोदी जी के लोग हैं, भाई इंडिया अलायंस को 300 सीट तो पार करेगा। हाँ बीजेपी और अलायंस भी ये नहीं कि एकदम 150 सीट पे सीमित रह जाएगा, ये भी लोग 200 तो पार करेंगे। नॉर्थ बेल्ट की इनकी जान है, अब नॉर्थ बेल्ट पे जिनका रिजल्ट है पूरा। और ओवैसी का क्या हाल है, ओवैसी यहाँ से जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे? अरे यार ओवैसी जी तो हैदराबाद से पक्के ही पक्के हैं, अच्छी मेजॉरिटी से जीते। ओवैसी के बारे में कुछ खास बात? ओवैसी जी के बारे में खास बात, अब टाइम हो रहा है जैसा 1 बजे, आप जाइए दारुसलाम में ओवैसी जी अवेलेबल है। कौन अपना सांसद रहता बोलिए, 24/7 आवाम के लिए अवेलेबल है। हर वक्त उनका द्वार खुला रहता, हर वक्त उनका द्वार खुला रहता। और ये द्वार में ऐसा नहीं है, वहाँ जाके देखिए बस वो लोगों को बैठने के लिए सीटिंग रहती, कोई वीआईपी हो या आम आदमी हो सबके लिए एक ही ट्रीटमेंट है वहाँ पे, समझे। सबका जो भी प्रॉब्लम है इमीडिएट कॉल किया जाता, इमीडिएट लेटर इशू किया जाता, उसको कैसा फॉलोअप करना इमीडिएट इशूज रिजॉल्व कर दे। इसलिए तो बार बार जीत रहे हैं ना अच्छी से अच्छी मेजॉरिटी से। इस बार तो माधवी लता टक्कर दे रही है। अरे मैं पिछले बार भी बोला था माधवी लता इज नथिंग बट पीनट, देख लिया आप इलेक्शन में क्या हुआ माधवी लता का, अब रिजल्ट के दिन भी देख लिए। उसके बाद माधवी लता इलेक्शन के बाद तो 1-2 दिन के बाद से दिखी नहीं रही, रिजल्ट के बाद वो भी नहीं दिखी, शायद कहा मैडम टूर पे है पता नहीं। तो आपके हिसाब से इस बार इंडिया अलायंस सरकार बना रही है भारत में? इंशाल्लाह इंडिया अलायंस पक्का इस बार भारत में सरकार बनाएगी। क्या लग रहा है इस बार, क्या रुझान क्या है? इस बार तो साफ दिख रहा है कि कांग्रेस सेंट्रल में आने का है। लेकिन बीजेपी तो बता रही है कि 400 पार इस बार। बीजेपी बताने में बहुत करते हैं मगर करने में कुछ नहीं रहते, जो 4th को देखेंगे अपन। तो आपके हिसाब से इंडिया गठबंधन को कितनी सीट आ रही है? इंडिया गठबंधन तो सीट्स एग्जैक्टली नंबर फिगर तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिकल नहीं हूँ, मगर तो कांग्रेस गवर्नमेंट तो फॉर्म करने का चांसेस बहुत है इस बार। राहुल गांधी के बयान से अभी जो देख रहे हैं, बयान में उनके बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है, बहुत ज़्यादा जैसे बहुत सारे वर्ड्स सबका यूज़ करने लगे हैं, कि ऐसा बयान देने लगे हैं जो एकदम भड़कता हुआ बयान देने लगे हैं, इस पर क्या? जी जी नहीं, राहुल गांधी का बयान अभी चेंज क्यों हुआ बोले तो 5 साल उन्होंने स्लो था, स्लो नॉर्मली बात करा था, अभी ये नॉर्मली बात करे तो पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है। एक प्राइम मिनिस्टर के फैमिली, प्राइम मिनिस्टर के फैमिली के वो कैसा, एक प्राइम मिनिस्टर कैसा बात करना ऐसा कर रहा, अभी नॉर्मल पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा था इतना दिन राहुल गांधी क्या बोले तो। अभी सोशल मीडिया में क्या बोले तो कॉन्ट्रावर्सी बात करे तो समझ में नहीं आता, सब्जेक्ट बात करे तो समझ में नहीं आता। उसके लिए अभी राहुल गांधी चेंज होकर बात कर रहे बोल के, अभी जो नॉर्मल आदमी ऐसा समझ रहा, मगर राहुल गांधी को पहले से मालूम है क्या बात करना, बाद में भी मालूम है क्या करना, अभी प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी मालूम है उसको देश को कैसा बचाने का। तो केजरीवाल क्यों नहीं, केजरीवाल में क्या कमी? नहीं केजरीवाल में कमी कुछ नहीं, केजरीवाल भी कैसा तो भी सेंट्रल में अब आए तो उनका सपोर्ट रहना ही रहना, अभी उन्होंने दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर है, अभी उसको भी अंदर डाल दिया वो केस ए केस बोल के लिख कर केस में, अभी उन्होंने भी कोशिश करके सुप्रीम कोर्ट उसको बेल दिए, फिर अभी अंदर जाने का ये उसका भी चल रहा, अभी तो देखना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर तो अभी क्यों बोले तो ये राहुल गांधी के फैमिली में एक बोले तो एक सत्ता बोले तो एक फैमिली जनरेशन से, मतलब वो उन लोग लूटने को नहीं करें, पब्लिक को सेवा करें। अब इंडिया 8 साल किधर बचा है बोले तो उन लोग का फैमिली तो बचे नहीं तो कहाँ बचे थे, इन लोग आके मजहब के नाम पर सियासत करे तो 10 साल में बाहर चले जाते हैं, अभी ये साल तो पक्का जाने का ही चाहिए उन लोगों।
लेकिन इन पे तो लिखकर पॉलिसी स्कैम का आरोप लगा हुआ है, उसके साथ गठबंधन में आ गई कांग्रेस, ऐसा क्यों? अभी वो मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, अभी अपन नहीं बात कर सकते, हुआ नहीं करे, लेकिन करे। आरोप तो है ना? आरोप तो अमित शाह के ऊपर भी था, नरेंद्र मोदी के ऊपर भी था, क्लीन चिट लेके बाहर आए, देखेंगे उन लोग भी क्या करें। लेकिन करप्शन का एक भी आरोप आज तक, अभी कुछ दिन पहले अमित शाह का एक बयान आया था कि एक भी आरोप जो है पीएम के ऊपर 23 साल में नहीं लगा है, मतलब वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और 2 बार से पीएम हैं, लेकिन एक बार भी नहीं लगा। मगर अमित शाह के ऊपर था नहीं, मोदी के ऊपर नहीं था होगा शायद, मगर अमित शाह के ऊपर ही नहीं आरोपन। अभी आरोप अभी उन्होंने कंटिन्यूसली प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर था, जो पावर में नहीं रहते जब रहते हैं। अभी सोनिया गांधी लोगों को ईडी में लेके गए थे, जब उन लोगों को पावर में जब नहीं लेके गए, जब पावर में नहीं रहते जब लेके जा रहे। अभी ये क्या हो रहा है, ईडी सीबीआई इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स लेना बोल के प्रेशर, और एक हो रहा नया प्रेशर हो रहा है कंपनीज के ऊपर, हो रहा है कॉर्पोरेट कंपनीज के ऊपर, ये पूरा कैसा रहता है, इन लोग के हाथ में ले रहे, इंडिपेंडेंट बॉडीज को काम नहीं करने दे रहे। पिछले 10 साल से कौन सा इंडिपेंडेंट बॉडी काम नहीं करा, आखिर सुप्रीम कोर्ट जर्जा भी इन लोग के हाथ में चले जा रहे। अब ऐसा है तो अपन क्या कर सकते, बोलो, एकदम डिक्टेटर के जैसा काम कर रहे हैं लोग। डिक्टेटर कैसे कह सकते हैं आप, डिक्टेटर की तरह? वो तो आप लोकतंत्र है, हम बात कर रहे हैं आपसे, आप भी हमसे बात कर पा रहे हैं, तो ये डिक्टेटरशिप कैसे? भैया अभी आपको डेर है, आप इधर आए, मेरे को डेर है इधर, मेरा आरो रोड के ऊपर जाके आम जनता को पूछो, मोदी के बारे में बात करो बोलो, नहीं तो किसी जगह पब्लिक नहीं लो ऑफिसों में जाके बात करो बोलो, एक रिप्रेजेंटेटिव को बात करो बोलो, निकाल के पिक देते हैं उन लोगों को, 2 दिन में ट्रांसफर करते हैं। आपका सबसे फेवरेट नेता कौन है? मेरा तो जब कांग्रेस टाइम में वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब था, अभी जगन को फॉलो कर रहा हूँ, अभी हमारे स्टेट में तो हमारा सीएम रेवंत रेड्डी साहब को करता हूँ। रेवंत रेड्डी को, रेवंत रेड्डी की सबसे अच्छी क्वालिटी आपको क्या लगती है? लड़के जीत के बाहर आता हूँ, जवाब देखे नहीं 5 साल से कैसा लड़के सीएम बना हूँ ऐसा। तो और ये ओवैसी कैसे लगता है? ओवैसी तो एक सेक्टर को बना दिया अभी, मतलब वो हैदराबाद को कुछ परमानेंट हो गया, 100% अच्छा लीडर है, कुछ भी प्रॉब्लम रहने दो आम आदमी को इमीडिएटली फ़ोन करके सॉल्व करता। अभी हमारे सिकंदराबाद में हम तो 5 साल से कॉन्टैक्ट ट्राई कर रहे हमारे एमपी को, 8 साल एक बार भी नहीं मिला हमारे मिलने को, मगर ओवैसी से कल आप मैं मिलना चाह रहा बोले तो मैं भी मिल सकता हूँ कल जाके, वो एक क्वालिटी है उसके लिए उन्होंने जीत रहा। तो माधवी लता नहीं जीतेंगे? अभी टफ फाइट बोल के बोले थे, देखना पड़ता है। टफ फाइट मतलब माधवी लता टक्कर दे रही है? टफ फाइट बोल के बोले थे, मगर अपन नहीं बोल सकते इलेक्शन आने तक, देखिए रिजल्ट तक नहीं बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो आपके हिसाब से इस बार देखेंगे, लेट्स सी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। समीर, समीर का मतलब क्या होता है? समीर सत्य, सत्य मतलब सत्य बोलेंगे आप, ठीक है? तो सत्य सत्य बताइए इस बार कौन जीत रहा है? कांग्रेस अलायंस जीत रहे सेंट्रल में। कांग्रेस कितनी सीट आ रही है? 300 प्लस। वो कह रहे हैं बीजेपी को 300 प्लस आ रही है। कैसे आते भैया, बोलिए आप, एक मैं बताऊं, हिसाब बताऊंगा आपको। आप बताइए, हिसाब बताइए। आप 300-400 पार बोल रहे हैं ना, 400 पार आने के लिए इंडिया बस में होगी उन लोगों को, और पाकिस्तान जाना पड़ेगा, बांग्लादेश जाना पड़ेगा, तभी उनको 400 पार आ रहे हैं, मतलब वहां से भी सीट लेनी पड़ेगी। हाँ लेना पड़ेगी, क्योंकि 400 पार आने के कोई चांस ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान से तो सपोर्ट आपको मिल रहा है ऐसा बताया जा रहा है। कौन बोला? वो निकली वो करते हो सा, जो विपक्ष नेता के ऊपर ईडी फेक ईडी से उनके ऊपर बदनाम करना, ये नरेंद्र मोदी का खेल है ये। देखिए आप साउथ में ले लीजिए, साउथ में एक सिटी उनको साउथ पूरा मारे तो 150 प्लस भी नहीं आएंगे नरेंद्र मोदी के। मैं बताऊंगा 50 से भी कम आ गए। कैसा? केरला तो पूरा क्लीन स्वीप हो जाएगा, तमिलनाडु क्लीन स्वीप हो जाएगा, तेलंगाना क्लीन स्वीप हो जाएगा। तेलंगाना में तो सब सीट बढ़ रही है इस बार। देखिए वोटिंग बढ़ रहा है लेकिन क्लीन स्वीप हो जाएगा। 14 प्लस कांग्रेस आएगी, एक भी नहीं आएगा बीजेपी को। अच्छा, दूसरी जगह से केरला में देखिए पूरा क्लीन स्वीप है क्योंकि एजुकेटेड पीपल्स है यहाँ पे। तमिलनाडु देखिए इंडिया अलायंस है, डीके स्टालिन है यहाँ पे। कर्नाटक में तो हमारी गवर्नमेंट है, मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट है। आंध्र प्रदेश तो जगन प्लेस कर लेंगे पूरे। कहाँ पे आएंगे उनको? नॉर्थ में चलेगा खाली हिंदू मुस्लिम करने का, और मुजरा रैंस मंगल सूत्र। मान लीजिए कि कौन मतलब 400 पार हो जाता है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंडिया में अभी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भरोसा करने वाले बहुत लोग हैं, ये इनके खेल ओनली नॉर्थ में चलेंगे, जो उत्तर प्रदेश
जो मध्य प्रदेश राजस्थान वही चलेगी। अब राजस्थान में भी कांग्रेस क्लीन स्वीप करने वाली है। ये राजस्थान में तो अभी सरकार पलटी। हाँ भाई, वही तो जो सरकार गिरा चुके हैं ना वहाँ पे, सरकार मध्य प्रदेश गिराया नहीं है, जीत कर आए थे। सही बात है, वो गिराने की बात है क्योंकि खरीदे लोगों को वहाँ पे। मध्य प्रदेश में क्या करे शिवराज सिंह, क्या करे थे महाराष्ट्र में, क्या करे बाल ठाकरे के बेटे है ना, मतलब खरीद लिया। हाँ, जो नेताओं को खरीद को डरा के ईडी पे आईडी करके। हाँ, महाराष्ट्र देख लिया आप, उद्धव ठाकरे को क्या हुआ, कौन है अजित पवार, कौन है अब उनके साथ है अजित पवार, कौन है शरद पवार के बेटे है ना, उनको क्या हो रहा है भाई, जो फैमिली में लगा के सुप्रिया सुले के ऊपर कंटेस्ट करने लगा रहे, उद्धव ठाकरे के ऊपर क्या, राज ठाकरे क्या कर रहे, उनको सपोर्ट कर रहे। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट जो जनता ने गवर्नमेंट डिसाइड करी थी वो गवर्नमेंट हिला के आप वो शिंडे को लगा के आप खरीद के पूरे MLA को खरीद के आप गवर्नमेंट फॉर्म किए। दम है आपको तो जाके जनता से लड़के जनता से वोट मान के जनता से जीतिए। अब गवर्नमेंट फॉर्म यहाँ भी तेलंगाना को भी आए थे गिराने के लिए, हमारे KCR साहब ने थोड़ा हुशार है के वो उसको उनको उनका क्या उनका वो संतोष है ना, BL संतोष, वो आया था रेड हैंडली पकड़ा गया ना यहाँ पे। BL संतोष को हमारे मोइनाबाद तांडूर का जो MLA पहले रोहित था उसके फार्म हाउस में पकड़ा गया, केरला के भाग गए, वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा अभी। फोन टैपिंग इशू है हम तेलंगाना में, बड़ा इशू है वही उसके बारे में। अगर वो इशू बाहर निकलेगा, BL संतोष निकलेगा, वो भी अजित ये अपना क्या बोलते अमित शाह निकलेगा मेन इंपॉर्टेंट। अमित शाह एक एक्सपर्ट है, मैं उनको बोलता हूँ, अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ अमित शाह को। क्या एक्सपर्ट है, तो गवर्नमेंट गिराने में एक्सपर्ट है। अच्छा, अमित शाह मतलब एक्सपर्ट है लेकिन वो गवर्नमेंट गिराने, यस गवर्नमेंट गिराने में बहुत एक्सपर्ट है वो, और गवर्नमेंट गिराने में एक्सपर्ट है। चाणक्य कहा जाता है उनको, तो वही चाणक्य है उनको, असल चाणक्य नहीं है जो प्लानिंग करके मतलब जीतते हैं गवर्नमेंट को जिताने उनका वो उनका RSS का आइडियालॉजी, RSS आइडियालॉजी में वो उनका चाणक्य है। हमारा चाणक्य नहीं था, हमें अच्छे चाणक्य मानते हैं, जो जो जात के लिए, जो धर्म के लिए, जो गरीबी हटाने के लिए जो चाणक्य करते, नीति राजनीति करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनको हम चाणक्य मानते हैं। ये चाणक्य जैसे गवर्नमेंट गिराने में और जो पैसे कमाले है उनको पर ED अटैक करने में, डराने में, जो अभी देखा गया तो अरविंद केजरीवाल साहब का क्या हुआ, लिकर पॉली स्कैम में अंदर गए। अरे देखिए यार, कहाँ पे है अभी तो देखिए, तो नियरली 1000 पेपर्स का वो दिया गया है यहाँ पे, कहाँ पे उनका लास्ट में मोमेंट में अब करना है तो पहले करना था, अब इलेक्शन मोमेंट में करे हैं। हाँ, कहाँ पे अब एक कितना ED 400-500 पेज का फाइल दिया है, एक बार भी उनका नाम नहीं निकला। जा रहे ना, उनको बेल आया ना, बेल तो दिया गया है लेकिन हाँ बेल आया ना, बेल और क्या, अभी वो भी प्रूव हो जाएगा, देखिए आप रुकिए। लेकिन उन पे आरोप तो है ना, आरोप तो लगा हुआ है ना, और अभी जैसे मनीष सिसोदिया के ऊपर लगा हुआ है, उन पर लगा हुआ है, और भी कई नेता हैं उन पे भी लगा हुआ है। लेकिन आगे कहते हैं, एक बात कही जाती है कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है, तो कहने का मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है तभी तो। देखिए ये BJP वाले तो धुआं नहीं है, किसी के ऊपर जो आरोप नहीं है उनके ऊपर धुआं डालते हैं, इंटेंशनल डालते हैं। अच्छा, धुआं डालते हैं, वो धुआं डाल के यही खुद को क्रिएट करते हैं। अगर देखिए भाई, आपको अरविंद केजरीवाल का रिकॉर्ड चेक करिए, वो RTSR है, अन्ना हजारे से जो अगेंस्ट काम कर रहे हैं पूरे देश, अन्ना हजारे ही उसके अगेंस्ट में। हाँ, वो देते हैं, अब उनको जो BJP के इन्फ्लुएंस बढ़ चुके हैं। लेकिन एक चीज अभी देख रहे हैं आप, स्वाति मालीवाल वाला मामला देखा है आपने? हाँ, वो मैं एग्री करता हूँ उसके बारे में। क्या एग्री करते हैं? उनके जो बॉडीगार्ड है उनका PA वो अटैक करे बोल के, महिलाओं के तो मतलब उन्होंने तो चरित्र हरण का आरोप लगाया है स्वाति मालीवाल। सही है, वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका, चल गया उनसे क्या ले देना है। लेकिन इस पर अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोलते? अरविंद केजरीवाल वो प्रोसेस चल रहा है ना, कोर्ट में ही चल रहा है ना, चलने दो उनको, जो आएगा उनके ऊपर डिसाइड होगा, जो कार्रवाई कानून कार्रवाई करेगी। उन तो सपोर्ट नहीं करे ना उनको, अरविंद केजरीवाल जी तो ना सपोर्ट नहीं करे ना, जो प्रोसेस चल रहा है चलने दो उसके। लेकिन महिलाओं की बात करते हैं ना कि हम महिला को एम्पावरमेंट देंगे, महिलाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक महिला को ही मतलब हैरेस किया जा रहा है ऐसा कहा जा रहा है। अभी तो वो थोड़े प्रोसेस में है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में है, चल रहा है उसके बारे में। एक बड़ा नेता के हिसाब से बात करना बराबर नहीं है, चलो पुलिस से चल रहा है ना, इन्वेस्टिगेशन है प्रोसेस में, कोर्ट में है प्रोसेस में, बात करना बराबर बात नहीं है, तो चलने दो इन्वेस्टिगेशन होने दो। जब वो नई बात करे तो बात पूछा जाएगा, जनता देखती थे ना, जनता देख कर डिसाइड करती ना। आप देखो दिल्ली में उन्हें क्लीन करने वाला है। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए अभी तो इंडिया का बेस्ट बड़ा मुद्दा है एजुकेशन एंड हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट। आपके लिए क्या अनएम्प्लॉयमेंट है?
हेल्थ है। आप क्या करते हैं? मैं अभी तो यहाँ पे मास्टर स्टूडेंट हूँ। तो आप अभी स्टूडेंट है ना, फिर तो अनएम्प्लॉयमेंट वही बोल रहे ना, अनएम्प्लॉयमेंट ये 10 साल में बीजेपी कुछ करी नहीं अनएम्प्लॉयमेंट, बोले ना और 15 लाख अकाउंट में डालेंगे, हर साल 2 करोड़ जॉब देते, बोले कहाँ पे 2 करोड़ जॉब पकड़ो डाल लो बोल के बोले अमित शाह जी ने, भंडी लगा लो बोल के बोले अमित शाह ने, कितना ड्रग्स पंजाब पूरा ड्रग्स हो जा रहा, इधर साउथ तक आया वो ड्रग्स क्या कर रहे, पूरा इन्यूच है पूरा, देखिए इलेक्ट्रो बैंड्स कितना कितना हाईएस्ट इनको जाए ना, किधर है इन उसको, हम नहीं अभी तो बोलते हैं कि हम सच है, हम क्या अभी कुछ नहीं करते, हम हमारे पर कुछ आरोप नहीं है बोल के बोलते हैं, ये बड़ा आरोप है इनके ऊपर, हम आरोप कर रहे कि ये सॉफ्ट स्कैम है इनका बांड लेने का, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को डरा के उनके ऊपर बांड लिखे खिला, देखिए एक कंपनी है गेमिंग कंपनी, उससे कितने करोड़ ले गया, उसका ऑफिस देखिएगा, मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, छोटा सा ऑफिस है, जस्ट 3-4 मेंबर्स बनने का एक सिंपल सा एक ऑफिस है, उससे 400+ थाउजेंड करोड़ आए बोल के मैं न्यूज़ में पढ़ा हूँ, कैसा है बड़े बड़े नेताओं को पूरा तुम लिख जाए कि जस्ट तुम्हारे अदानी अंबानी के लिए काम करते हैं ये गवर्नमेंट। अच्छा ये बताइए आपके लिए सबसे अच्छा नेता कौन अभी, तो आप अपना आइडियल मानते? देखिए अभी तो मैं मानता हूँ राहुल गांधी, क्यों बोल क्योंकि रीज़न भी बोल सकता हूँ, क्योंकि वो ग्राउंड से आए हैं, जनता में मिलकर रहते हैं और हर चीज़ वो टेलीप्रॉम्प्टर जैसा मोड़ी के जैसा टेलीप्रॉम्प्टर रख के नहीं बात करते वो। अच्छा एक बात बताइए, एकदम सटीक आंसर दीजिएगा 5 सेकंड के अंदर में, ठीक है, बोलिए। आपकी नज़र में सबसे ख़राब नेता कौन है? 1, 2, 3, 4 मोड़ी है, मोड़ी है ये देश को सर्वनाश कर रहा है जो मोड़ी है। मतलब सबसे अच्छा नेता राहुल गांधी, सबसे ख़राब नेता मोदी। वजह क्योंकि मोदी जी को तो देश का बजट सेक्शन नहीं मालूम है, उनको कुछ गरीबी जानते नहीं, वो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है उनको एक डेफिनेशन भी नहीं जानते वो, और उनको कभी भी बड़े आदमी के लिए काम करना, अब उनकी स्टेट पे आइए गुजरात पे आइए, कितने ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस हो रहे, गैंगरेप हाईएस्ट गैंगरेप्स गुजरात में हो रहे, ये तुम लोग मीडिया लोग नहीं बता रहे, आप रिसर्च करिए, हम मेरे को फ्रेंड्स आए वहाँ पे और जैसे सोशल मीडिया में मैं देखा गया, और मणिपुर का इशू क्या हुआ भाई, आप कभी तो बोलते बात करते ना मणिपुर इशू पर बात करिए, करिए बात करिए, वहाँ के एक फाइटर ने वो मेडल जीत के रिक्वेस्ट कर चुका है, वही भी नहीं बात करे तुम, मैं बोलता हूँ पप्पा ने बार दिया रोबल के बड़ा सोशल मीडिया डालते, वो लड़की आज फिर कांग्रेस को बोल के ना वो मैं पैसे दे के करना करवा गया बोल के बोल चुकी है, वो मणिपुर पे क्या इशू है आपका, स्टैंड क्या है, वो ये यार ये पूरे RSS मनस्मृति के ऊपर चलते हैं, इनका ये मानना ये है कॉन्स्टिट्यूशन को निकाल देना, डिक्टेटरशिप जो जर्मनी में। अच्छा एक बात बताइए, मनुस्मृति का आप नाम ले रहे हैं बार बार, मनुस्मृति है क्या? मनुस्मृति ये है कि ये हाईएस्ट क्लास को अच्छे सुख दे के जो लोअर क्लास है उनके ऊपर ये जीना चाहती है, श्रामिक लोग है ना उनको दबा के रख के हायर क्लास जो अपर कास्ट है ब्राह्मण लोगों वो आइडियालिस्ट चलती है, जो अभी कभी भी नहीं मानती कि लोअर क्लास वाले उनके बराबर पढ़ चुके पढ़ो, उनके बराबर काम कर सको, उनके बराबर सूट बूट डाल सको, उनके बराबर बात कर सको, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता मैं आपके साथ बात करने की चॉइस भी मुझे नहीं आती एज ए लोअर क्लास। अच्छा मतलब ये ऐसा हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो? अरे ये प्रूवन है भाई, ये 500 साल दो कितने हजारों साल का मनुस्मृति चला ना, आफ्टर बिफोर इंडिपेंडेंस वही चला ना, बिफोर कॉलोनियल वही चला ना, 200 साल तो ब्रिटिश वाले चले उनके पहले वही था ना, देखिए तुम गाँव में अभी जाओ, गाँव में भी गुजरात में जाओ, उत्तर प्रदेश में जाओ, ठाकुर लोगों ने जो SC ST को कैसा मारते, और ये अब देखा गया तो तुम गुजरात में कितने लोगों को अभी हाल में ही MP में भी एक मामला आया था ऐसे ही। हाँ वही देश पूरा नॉर्थ में चलता है उनके जो इन ये जो लोग है अधिकार में, उत्तर प्रदेश होंदे, मध्य प्रदेश होंदे, राजस्थान होंदे, गुजरात होंदे, ये लोग पूरे श्रामिक लोगों को डरा के धमका के उनके प्रॉपर्टी के ऊपर अगेंस्ट करके, अब देखो तुम बुलडेजर किसके ऊपर चले जा रहा, UP में बुलडेजर किसके ऊपर चल रहा, ये ब्राह्मण के लोगों पर चल रहा, हायर क्लास के ऊपर चल रहा, जो जो मुसलमान के ऊपर चल रहा, दलित के ऊपर चल रहा, ये है दलित के अगेंस्ट, ये मुसलमान के अगेंस्ट है, ये बजट नहीं जानते, इनको बजट पता ही नहीं, डेफिनेशन ही नहीं मालूम, ये विदाउट टेलीफोन पर बात करने करते थे यार, इनके बारे में हम क्या बात करते हैं, ये बोल के वेस्ट इनके, आप मीडिया लोगों से रिक्वेस्ट है ये टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है सर बात करें, सिकंदर से बात न करिए, आप जो जनता के लिए बात करता जो राहुल गांधी है, जो दूसरा अरविंद केजरीवाल जी ने है या विजयन है या रेवंत रेड्डी जी ने है, उनसे बात करिए तो मालूम होगा, आप जनता में जाइए, जनता में पूछिए
उनकी समस्या क्या है पूछिए, हम अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है पूछिए, जाके जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को पूछिए, बिहार के स्टूडेंट को पूछिए, वो बोलता है बिहार के स्टूडेंट को पूछो तो उसका उसका अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, उसका एजुकेशन कैसा है, कंपेयर करिए बिहार को और दिल्ली को कंपेयर करिए, स्कूलिंग कैसा है, 96.26% गॉट दी इन ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिकॉज ऑफ टोटली वहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी क्लोज हो गए बिकॉज ऑफ वहाँ पे पॉलिसी सही दिल्ली की, हेल्थ भी देखिए बस्ता दवाखाना कितना अच्छा करे, ऐसा रहना चाहिए, एजुकेशन जो एजुकेशन जानता है वही मानता अच्छा कर सकता है, ये लोग ये मनुस्मृति को मानने वाले ये बेकार है, नहीं कर सकते नहीं। तो कितनी कितना आ रहा है इस बार इंडिया अलायंस को, कितना सीट 300 आएगा गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। तो लोकसभा चुनाव 2024 अब खत्म होने वाला है और यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बात करी है, इनका कहना है कि इंडिया अलायंस भारी मतों से जीत कर सरकार बनाने जा रही है। इस सभी मुद्दों पर आपका क्या कहना है दोस्तों, हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। शुक्रिया।